जब तू इन बीज को बोएगा ना लल्ला, तो इनसे पौधे आएंगे। जब तू इस बीज को बोएगो ना तो जे पौधा बनेगो, पौधे में पुष्प आएंगे और पुष्प से बनेंगे फल। पर बाबा बीज को कैसे पता चलेगो कि कौन सा पौधा उगानो है? जिस वस्तु की बीज हम बोते हैं ना काना, पौधा भी उसी का उगतो है। मैया यदि बीज पेट के अंदर चलेगो तो पेट में भी वृक्ष उग जाएगो? हाँ उग जाएगो। हाँ ना नल्ला, तब तो मैं और जामुन लेकर आता हूँ। देख के जसोदा जी, आप ही के घर आ रहे थे हम। जी लक्ष्मण और उसकी पत्नी उर्मिला को वृंदावन के राजा रानी का आशीर्वाद जो दिलवाना था। नारायण नारायण। अरे बस बस, सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो इतने सीधे साधे और सरल राजा रानी मिले, जिन्हें इस वन में बैठकर जामुन खाने में कोई संकोच ना है। यशोदा जी जी ऐसी ही हैं, कछु भी कर सकती हैं और किसी से भी कछु भी करवा सकती हैं। मेरे कहने का अर्थ जी है, ये तो सच्ची में बहुत सीधी साधी और बहुत अच्छी हैं। नंदराज जी, ये छोटा सा उपहार उर्मिला। अरे देवाकी, बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री नारायण का अथाह आशीर्वाद बना रहे, इतनी सुंदर जोड़ी है दृष्टि ना लगे। देख ले ना, अब फिर से अपने मोतियों के माला की चर्चा छेड़ेंगी। नाना भाभी, मोती तो पहले आंखों से तैरेंगे इनके, क्योंकि बात बात पर भावुक जो हो जाती है ये। उर्मिला, तुम्हें कछु कष्ट हो कभी भी या कछु चाहिए तो सीधा मेरे पास आना, मुझे अपनी बड़ी जिज्जी ही समझो। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, श्री नारायण की कृपा से कितनो अच्छो गांव मिलो, कितने अच्छे राजा रानी मिले और कितनो अच्छो घर और कितने अच्छे पतिदेव मिले। भतोहे जी जी, जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, और देखो जे मोती की माला है ना, जे पति की ओर से उपहार है और बहुत विशेष है जे। कितनी भोली भाली है जे, हम्म, और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो। आगे से किसी ने ऐसा करो ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ नहीं तो जी जी, विवाह होगो पर अब तक सयान ही ना हुई जे, बात बात पर भावुक हो जाती है। कान्हा जी देख, उर्मिला काकी है, नारायण नारायण कर। नारायण नारायण, आपका बहुत बहुत स्वागत है नई काकी। नंदराज जी, मैं चलूं, विलंब हो रहा है। उर्मिला, तुम भाभियों के साथ आ जाना। हाँ। ठीक है। इसे क्या देख रही हो आप, कहाँ से आई हो आप? उर्मिला, उर्मिला, कछु पूछ रहे हो जे? बताओ ना आप कहाँ से आई हो? अयोध्या से। राम जी की नगरी से? हाँ।
इससे पहले कि ये अधिक प्रश्न पूछे और तुम्हें सताए, हम चलते। हाँ, हमें आए बहुत समय हो गया है। कान्हा, चले। अपना ध्यान रखना। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हेलो मैया। अब क्या होगा लल्ला? ये पहली बार हमारे गांव आई है। हम पहली बार इनसे मिले हैं। कछु दे भी नहीं जा रहे हैं। किंतु ये लो चमत्कारी फल है। आपके लिए मेरा उपहार। और हाँ, इनकी गुठलियाँ मत खाना। पर आप चाहो तो इन्हें बो सकती हो। फिर ऐसे ही चमत्कारी फल के और बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। चलो मैया। चल। बहुत नटखट है जी। भूल स्वयं करेगो, पर दोस्त आप भी लगा देंगे। और कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, अकड़ में आने वालों में से ना है जी। और माखन चोर भी है जी। माखन चोर? आओ सब बताते हैं। हाँ। क्या सोच रहे लल्ला? अपने गांव की नई अतिथि के बारे में सोच रहा था मैया। कितनी अच्छी है ना वो? अच्छी तो है और कितनी भोली भाली भी है और बड़ी भावुक भी है। हुँ? और उसको अपनी मोतियन की माला कितनी प्रिय है। वैसे लल्ला, मेरे पास कछु था ना, पर तूने उन्हें जामुन दे के कितना अच्छा कियो। सच्ची वो थक गया होगा ना। हुँ? कितना घुमा आज, थोड़े समय के लिए सो जा। हुँ? आप सुनाओ। चल आजा। यही बात कह रही थी मैं, उसके भोले प्यारे मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मत आना। पहले चित्त चुराएगो और फिर माखन। माखन चोरी की कथाएं सुनकर तो ऐसा लग रहे हो है कि आप सब कितनी भाग्यशाली हैं जो आपके यहाँ ऐसा हो। यदि मेरा ब्याह पहले हो गया हो तो हो सकता है मेरे घर भी आता माखन चुराने वो राजकुमार। ये इच्छा करने से पहले चार बार सोच लो और मिला। ऐसा क्यों जीजी? क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे यशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बंद कर दे। इसके बारे में तो सोचना भी मत। आप सबसे तो छुपा लूंगी, स्वयं से कैसे छुपाऊं? मेरा मन तो कर रहा है कि मैं भी वो ही अनुभव करूं जो आप सब ने करो है। आ गई तुम? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपका आज से ही जाना आवश्यक है क्या? कार्य तो करना पड़ेगा ना। पर मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी? अकेली कहाँ हो तुम? ये माला है ना, इसका एक एक मोती हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। और मिला ठीक है। इच्छा करने से पहले चार बार सोच लो और मिला। क्योंकि चोरी के बाद बिना साथ चिखे यशोदा भाभी के पास जाओगी ना तो वो एक भी ना मानेगी। किसी ना किसी काम में लग जाना चाहिए मुझे, ना तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूंगी। इतना अच्छा हो तो यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। इतना अच्छा हो तो
यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पाती। ये तो यहीं द्वार के सामने बैठी है। कोई भी कार्य को पूरी तैयारी से करना चाहिए, तभी तो कार्य में सफलता प्राप्त होगी। तैयारी के साथ साथ ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा और हाथ लगेगी असफलता। सर में बोल दियो क्या? कछु बोल क्यों ना रही? वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। आज ही बनायो है क्या? हाँ हाँ, बस अभी अभी बनायो है। तू स्वप्न ना है, सचमुच है यहाँ। स्वप्न में माखन खाने का क्या लाभ? लाभ तो तभी आएगा ना जब मैं सच्ची में माखन खाऊंगा। तू मेरे घर के भीतर कैसे आए? बाहर से। पर क्यों? द्वार खुला था ना। द्वार खुला होगो तो तुम स्वयं भीतर आ जाओगे। वृंदावन का राजकुमार हूँ मैं। अपनी प्रजा की सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। मैं ये देखने आया था कोई चोर तो भीतर ना घुस आयो है। और देखते देखते तुमने स्वयं ही माखन की चोरी कर ली। मैंने चोरी का की? अच्छा, चोरी ना की तो तुम्हारे हाथ पे जे माखन कहाँ से आ गो? वो तो मेरा कड़ा माखन की मटकी में गिर गया था, उसे निकाल रहा था मैं। असत्य बोल रहे हो तुम। आप फ्रेम देख लो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, पर मुझे कड़ा मिलो ही ना, केवल ये माखन मिलो। तो तुम्हारे मुंह पे ये माखन कहाँ से आ गो? वो मैं अपना हाथ साफ कर रहा था ना। उसके लिए तो वहाँ वस्त्र रखा है ना? और ये बताओ, तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे? मटकी आपने खुली छोड़ी, वार आपने खुला छोड़ा और प्रश्न मुझसे कर रही हो? अरे अब क्या होगा? रो क्यों रहे हो आप? स्वयं चोरी करते हो और मुझे ही डांटते हो। अपने बड़ों से कोई ऐसे बात कर दो है का? अच्छा आप रो मत। अब भैया कहती है भूल करो, उस पे रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी भूल को मानकर फिर सीख लेनी चाहिए। इसने तो मुझे ही दोषी सिद्ध कर दियो। शिकायत तुम करोगी उसकी और दंड तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे जो भी हो, आपने माखन बहुत स्वादिष्ट बनाया था। और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुम्हारा मन चुरा ले वो। अब आपने इतने प्रेम से बनाया हुआ है तो वैर थोड़ी जाने दूंगा। कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, पकड़ में आने वालों में से ना है जे। इसे तो मैं पकड़ के रहूंगी।
यशोदा जी जी, यशोदा जी जी, भाभी, यशोदा भाभी, भाभी, क्या होगा? तुम सब एक साथ? हाँ जी जी, हम सब कुंड पे जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए ना। सोच क्या रही हो जी जी? अब चलो भी। सुनो जी, काना भीतर सो रहा है, मैं तनिक कुंड पे जाके आती हूँ, आप उसका ध्यान रखना। हाँ ध्यान तो रख लूंगा, उसके लिए लल्ला भीतर होनो भी तो चाहिए। भीतर ना है? ना, बिना बताए कहाँ चला गया? कहीं फिर से माखन चुराने तो ना चला गो? अरे काना, यहाँ क्या कर रहे हो? खेलने आए हो? पर तेरी सखा कहाँ है? तुझे छोड़कर चले गए घर? चल चिंता मत कर, आजा, मैं तुझे घर लेकर चलता हूँ। सुनो जी, आप तनिक देख के आओ ना, कहाँ गए हो है बिना बताए? वृंदावन से अभी परिचित ना है लल्ला, बिना बताए कहाँ चला जाएगो? ये रहो काना, मेरे साथ था। देख लियो तुम सबने, माखन चोरी ना कर रहा था, अपने ताऊ जी के साथ था। क्यों रे, बिना बताए कहाँ चला गया था? आप इतनी गहरी नींद में सोई थी मैया, आपको जगाना अच्छी बात होती क्या? अच्छा जी, इतना सयाना हो गया तू? यशोदा जी जी, क्या होगा उर्मिला? आपका लल्ला मेरे घर आया था जीजी, माखन चुराने, माखन चुराने, माखन चुराने। ना ना उर्मिला, तुम्हें कछु भ्रम हुआ है, जे तो अभी अपने ताऊ जी के साथ था, है ना भैया? हाँ, ये मेरे ही साथ, अर्थात मैं लक्ष्मण के घर की ओर जा रहा था, तो मार्ग में मुझे काना। हो सकता है कि लक्ष्मण की बहू सही कह रही हो, क्योंकि जब मैंने काना को देखा तो उसके मुख पर माखन लगा हुआ था। उर्मिला, मन दुखी मत करो। मैया, मैंने माला जानबूझ के ना तोड़ी, इसलिए वो ही माला तोड़ दी जीजी, जो मेरे पति के प्रेम का प्रतीक थी। आपने ही कही थी ना जीजी, यदि कोई कष्ट हो तो यहाँ आ जाना, मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना। आपने ही कहा था ना जीजी, यदि कोई परेशान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा। हे नारायण, क्या मुझे अपने काना को फिर से दंड देना पड़ेगा? मैया, यदि नहीं काकी की यही इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो, मैं दंड के लिए तैयार हूँ। मैया, मार दो मुझे उस उखल से, मैं उस उखल में बंधा रहूंगा।
दिन भर धूप में खड़ा रहूंगो, भूखा प्यासा भी रह लूंगो। पर आप इनसे कहो ना, साधारण सी मोतियों की माला के लिए अपना मन क्यों दुखी करिए ये? कान्हा, जे कोई साधारण मोतियों की माला ना है। वैसे तो तेरी जो मुरली भी साधारण है ना, इसे कोई छीन ले तो तुझे कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। बस ऐसे ही काकी को भी बुरा लगो ना, उनके लिए जो प्रेम का प्रतीक थी ना, मूल्य वस्तु की ना होती कान्हा, भावनाओं की होती है। काकी की भावना जुड़ी थी ना। जे ले, जे माला काकी को जाके दे, जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती, पर तेरे क्षमा की भावना उन तक पहुंचा सकती है। मुझे क्षमा कर दो नहीं काकी, और ये भेंट स्वीकार करो। ना ना, जीना चाहिए मुझे। जीजी जे मैं कैसे? नहीं काकी, ये माला भी प्रेम का ही प्रतीक है। लो, वैसे एक बात कहूँ, मोतियों की माला टूट सकती है और फूलों की माला भी मुरझाई जाती है, इसीलिए माला जीवन भर आपके पास रहना रहे। मेरा प्रेम सदैव आपके साथ रहेगा। इन्हें आए एक दिन भी ना हो और आते ही कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो। कितनी भाग्यशाली है उर्मिला। जसोदा जी, चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। दियो ना, माखन दियो ना चांदी की मटकियों में। मैया और मैं कोई अलग थोड़ी हैं। कान्हा, अधिक बातें मत बना, आगे से ऐसी उदंडता की ना तो बातें बना के मैया के दंड से ना बच पाएगो। मैया, मैं कोई शरारत ना करूंगा, बस फिर से दंड मत ही देना। कान्हा की ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ तुमसे। कछु कहने की आवश्यकता ना है जीजी, जो हुओ अच्छे के लिए हुओ। आज के इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है, प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़नो चाहिए, क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे, पर अपनों का प्रेम वो तो सदैव अपने साथ ही रहता है, ये मैं ना रख पाऊंगी। अरे ना ना, ये तो तुम्हें रखनी पड़ेगी, कान्हा ने दियो है। नारायण नारायण। नंद बहू, बालक को ध्यान रखो तुम दोनों, राजा का लल्ला है, उसके कुछ अधिकार हैं तो बहुत से दायित्व भी हैं। यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संस्कार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा, ये उसे अभी से समझाना होगा, अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती। इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक्का चोर बन जाए, अंकुश लगाना आवश्यक है। बाकी तो तुम दोनों समझदार हो। बाबा, तुझे पता है लल्ला तेरी मैया तुझसे कितना प्रेम करती है, तो तू ही बता
जो तुझ पर सारा संसार निछावर करती है, यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहे को, तेरी कमियां निकाले को, कुछ भी करे को, कैसा लगे को उसे? हम सब चाहते हैं कि तू अच्छा लल्ला बने, ताकि सब तेरा उदाहरण दे, ना कि बुरा इसकी सब निंदा करे। पर बाबा, मैं तो बात सारे अच्छे वाले कार्य करता हूँ। हाँ, कर तो है ना अच्छे कार्य, तू कर तो है अच्छे कार्य, पर 100 अच्छे कार्य करने के बाद यदि जाने अनजाने में एक बुरा कार्य भी कर देगो ना, ये समाज उस बुरे कार्य को ही स्मरण रखेगा। भलाई क्षण भर में भुला दी जाती है लल्ला, पर बुराई वो सदैव स्मृति में बनी रहती। यही समाज की रीत। मुझे क्षमा कर दो बाबा। लल्ला, तुझे पता है जब तू भूल करतो है तो सबसे पहली उंगली तेरी मैया के लालन पालन पर उठती। ये सारे गांव वाले, सारे गोप गोपियां, सारा समाज, सभी तेरी मैया को दोष देते कि उसने तुझे अच्छी शिक्षा ना दी। यदि तुझे क्षमा मांगनी है ना मुझसे, ना तेरी मैया से मांग। पर बाबा, मैया मानेगी? मैया क्षमा कर दो, अब फिर मैं कोई ऐसा कार्य। बैठो ना जीजी, बैठो। आजा लल्ला, बैठ। जे देख, तेरे लिए लड्डू बनाए हैं, पर पहले तुझे माखन चख के देख कैसे बनोए। अच्छा है, ले खा। कितना अच्छा बालक है तू। सदैव ऐसे ही रहना, किसी की संगति में आके बिगड़ मत ही जाइयो, समझ आई? मुझसे बात मत करो, बस सारा प्रेम दाऊ पे लुटा दो। हाँ, नहीं तो सुन, नारियल के लड्डू खाएगा? मैं अभी लेके आती हूँ। किसी उपाय से बात नहीं बन रही तो रोक के दिखाओ ना। रामबाण उपाय है, आंसू देखते ही निकल जाती है सारी माए। हाँ, ये देख, ये ले। ले, जे सारे के सारे तेरे लिए हैं, खा। यशोदा, बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बांटना चाहिए ना। कान्हा को भी तो कितने प्रिय है ये लड्डू। ना जीजी, इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रिय है। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लज्जा आ जाए। अपमान भी जाओ यशोदा, बालक ही तो है। छे बालक ना है, जे तो छलिया है। अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे, और फिर पूरे गांव में बताता फिरतो है कि मैया को मनाना कितना सरल है, पर
पर अब मैं इसके मन का ना होने दूंगी। अभी तभी क्रोध मती करो मैया, मान जाओ मैया। छोटा सा मैं बालक मैया, नैना छोटे छोटे से, कैसे तुमको भा रहे इनमें आंसू मोटे मोटे से। कर दो क्षमाप त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना। सुनो मैया, तुम्हारा कन्हैया सच में भोला भाला है, जानती हो सब तुमने अपने आंचल में मुझे पाला है। बदले में मैंने तुमको बस केवल कष्ट ही कष्ट दिए, पलकों में बैठाया तू मुंह फेर के जाओ ना, मान भी जाओ ना मैया, मान भी जाओ ना। अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लगाओ ना, अपने प्यारे कान्हा को अब हृदय से लल्ला, मैंने हृदय से लगायो है, इसका अर्थ जेना है कि मैं मान गई हूँ और सब भूल गई हूँ। मैं तो क्षमा मांग रहा हूँ ना मैया। ना कान्हा, भूल हो जाने पर केवल क्षमा मांगना पर्याप्त ना है, सबसे पहले तुझे जे स्वीकार करना पड़ेगो कि तुझसे भूल हुई, फिर तेरे मन में क्षमा भाव होने चाहिए, तुझे जे आभास होना चाहिए कि जो हुओ वो अनुचित है, फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कछु ऐसा करना चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए, और फिर अंत में तुझे वचन देना चाहिए कि फिर से तू वो भूल कभी ना दोहराएगो। मैं समझ गई मैया। तुम्हारा लल्ला नटखट अवश्य है, परंतु समझदार भी। मैं वचन देता हूँ मैया।
आज के बाद मैं ऐसा कछु ना करूंगा जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े। मेरा अच्छा गाना। अब जा विश्राम कर। अभी अभी छोटी माँ मानी है, अब तुम फिर से कोई योजना मत बना लेना। उसकी चिंता मत ही करो दाऊ। आप तो शीघ्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कह रही थी भूल के बारे में। क्या नहीं करना है? तो क्या तुम्हें छोटी माँ की बात समझ में नहीं आई? तो तुमने बाहर क्यों कहा कि तुम समझ गए हो? क्योंकि दाऊ मैया को यदि पता चल गया था साधारण सी बात मुझे समझ में ना आ रही है तो उन्हें और करो दादो। आपको तो समझ में आई थी ना, आप तो समझा दो। आप मेरे दाऊ हो ना? हाँ हाँ समझाता हूँ। छोटी माँ ने कहा था भूल हो जाए तो कभी भूल से भी भूल को भूलना नहीं। हाँ उनकी बातों का सार तो यही था। अरे दाऊ हार के चक्कर में आप सीधी सीधी बात को और कठिन बना रहे हो। फिर से मैया से ना पूछ सकते? पर बाबा से पूछ सकते है। कान्हा यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकते है। प्रश्न पूछना समझदारी का प्रतीक होतो है। समझ गो बाबा। तेरी मैया केवल इतना ही कहना चाह रही थी कि जब कोई भूल हो जाए तो उसे मन से स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद हमें हो सके तो उस भूल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात ये अवश्य याद रखना कि उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करना है। समझ गो बाबा। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं जाता हूं। समझ गए काना? क्या मैं समझाऊ? नाना दाऊ आप तो रहने ही दो। तो बताओ अब तुमने जो हानि की है उसे सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम? एक उपाय है पर मुझे उसके लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी सहायता? उन्हीं की जिनके पास उपहारों का भंडार है। उपहार भंडार काना? यह नंदराज जी प्रणाम। प्रणाम। ग्राहक ही तो विक्रेता का भगवान होता है ना। वो क्या है मैं घर घर जाकर रत्न और आभूषण बेचने का कार्य करता हूँ। तो आप स्वर्णकार हैं? हाँ। क्षमा करना हमें अभी कछु ना चाहिए, आप जा सकते। बाबा देख तो लो, क्या पता कछु विशेष हो इनके पास। वैसे मैया ने अभी अभी वो माला नई काकी को दी है। अवश्य बाबा और लल्ला दोनों ने मिलकर कोई योजना बनाई है। स्वर्णकार जी आपके पास मी प्यारी सी मैया के लिए कोई विशेष और होगो? कुछ विशेष हो तो ही दिखाना, हमारी राजरानी का मन जीतना इतना आसान ना है। ना ना इसकी कोई आवश्यकता ना है। क्या आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ? हाँ ये तो बालक है पर आपने ऐसा कैसे सोच लियो? क्या मैं केवल वस्तुओं से प्रेम करती हूँ और उस पर से स्वर्णकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हो? रानी जी सत्य तो ये है कि आप बीच में मत ही बोलिए श्रीमान।
यशोदा, मैंने ना बुलाया स्वर्णकार जी को। मैं जानता हूँ तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। आपकी मैया से तो मुझे भी भय लग रहा है प्रभु, ना जाने कब ये साक्षात माँ दुर्गा बन जाए। आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया ही नहीं। जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, आप कान्हा के साथ मिलके जे ऐसी योजना बनाते हो। नहीं, मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ, मैं श्री नारायण की इच्छा से आया हूँ, श्री नारायण की सौगंध। मैंने सोचा कि यहाँ आकर एक दो हार तो बिक ही जाएंगे, और यहाँ वृंदावन की रानी जी जो रहती हैं, अति मत करो कुबेर जी। स्वर्णकार जी, ऐसी बात है तो आप ठहरो। मैया ने मुझे सिखाया है कि किसी को अपने द्वार से निराश ना भेजना चाहिए। अरे पर... चिंता मत करो, इनके क्रोध में भी प्रेम छिपा तो है। बात अनोखी है ये, इसलिए आपको ये अनोखा उल्ला बाहर दिखाओ। मैंने क्या समझाया था और उसने क्या समझ ली। अरे मेरा चेयर थोड़ी था कि उपहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकता है। ये देखिए नंदराज। ना ये, ना ये भी ना चलेगो। इसकी तो शोभा ही निराली है। ओहो संकाय जी, मैया को ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे। कुछ विशेष दिखाओ ना, कछु अनोखा। कितना सुंदर हार है, पर जो स्वर्णकार कान्हा को उसे दिखा क्यों ना रहा है? वो तो मेरे सभी वस्त्रों के साथ जचेगो और खिलेगो मुझ पे। आप ये वाला दे दो मैया के लिए। और आपके लिए क्या राजकुमार? मुझे बस एक मोती दे दो आप। बस केवल एक मोती? हाँ। ये रानी जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती। वनकार जी, मूल्य तो लेकर जाओ। हाँ, प्रभु के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे। जो ठीक लगे वो दे दीजिए। प्रणाम प्रणाम। लो मैया, बताओ कैसा है। सुनो जी, अपने लल्ला को समझा दो, यदि उसे लगता है कि मैं उपहार की भूखी हूँ तो चाहे उसकी भूल है। अरे उपहार ना है मैया, ये तो साक्ष्य है कि मुझे भूल समझ में आ गई है, और ये भी समझ आ गया है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैया को लज्जित होना पड़ो। ये साक्ष्य है इस बात का कि मैं सच्ची में क्षमा मांग रहा हूँ कि मेरे कारण आपको इतना दुख पहुँचा है। ये इस बात का भी साक्ष्य है कि मैंने अपनी भूल से सीख ली है कि मैं यदि कछु अनुचित कार्य करता हूँ तो पहली अंगुली मेरी मैया के ऊपर उठती है।
तुझे जे आभास होनो चाहिए कि जो हुओ वो अनुचित है, फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। और ये इस बात का साक्ष्य है मैया, मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। जो हो चुको है उसे तो मैं बदल ना सकता, पर कम से कम वो माला तो बदल ही सकता हूँ जो आपने नई काकी को दिया। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का साक्ष्य होने के साथ साथ ये मेरे वचन का प्रतीक है मैया, कि मैं आज के बाद ये भूल कभी ना करूंगो। तुम्हें विश्वास तो ना होगो, पर मैं कह देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है, जो कुछ भी कह रो है, उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है। अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया, अब तो स्वीकार कर लो ना इसे। आपको जो अच्छा लगा था वो ही हार लेकर आयो, फिर भी ना लोगे आप? इधर आ। तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो? एक लल्ला को अपनी मैया की रुचि पता चलनी चाहिए ना। अब तो क्रोध छोड़ दो ना मैया, मान जाओ ना। पर जे अंतिम अवसर है लल्ला, यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो ऐसा ना होगा मैया। आप चिंता मत ही करो, उसके लिए भी सोच के रखा है मैंने। चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। जे एक मोती तो किस किस को देगो? मैया मन में आपने ही कही थी ना, एक बीज से पूरा वृक्ष उगा तो है। तो तू इस मोती को बोएगो? हाँ, जो उस मोती को बोएगो उसमें से वृक्ष उगाएगो, और जब उसमें मोतियाँ आएंगी तो जिस सारी गोपियों को देगो ना लल्ला। आपने तो मेरा मन पाल लियो मैया। अरे पर परिहास कर रही थी लल्ला, मोती वृक्ष पे ना उगते। क्यों ना उगते मैया, जब छोटी सी गुठली से बड़ा आम का वृक्ष उग सकते है, ढेर सारे जामुन उग सकते हैं, तो मोती क्यों ना उग सकते? लल्ला बीज से केवल फल और फूल उगते हैं, मोती ना। पर मैया आपने तो कही थी श्री नारायण का नाम लेने से सब कुछ संभव हो जाता है, तो फिर ये क्यों ना हुआ? नारायण के नाम में तो बहुत सारी शक्ति है ना? हाँ, पर सुधा, जीवन की सीख करने से ही मिलती है, जब करेगो तभी सीखेगो, हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते हैं, है ना? मोतियों का वृक्ष मिलेगा, देखना आप दोनों। चलो आ जा।
हे नारायण, ये कैसे संभव है? सुनो जी, ये देखो। क्या हुआ यशोदा? सुबह सुबह आप चाहती थी ना कि आप सबको मैं कछु ना कछु दू। देखो कितना विशेष उपहार है मेरे पास। जे तो मोती है। मोतियों का ब्रज? पर ये तो असंभव है ना। लो आप सभी तो कहती हो मैं बहुत अधिक प्रश्न पूछती हूँ, और अब देखो आते ही सबके सब प्रश्न पे प्रश्न पूछने लगे। हमारी इच्छा पूरी हो गई, कान्हा के हाथ से उपहार मिल गो हमें। प्रभु, ये चमत्कार तो सभी के सामने कर दिया आपने, कहीं इससे आपका सत्य मैया को पता तो नहीं चल जाएगा? ये तो सच्ची के मोती है, वैसे ही जैसे स्वर्णाकार के पास होते। वृंदावन में जब से आए हैं कोई ना कोई चमत्कार तो हो ही रहो है। अवश्य ही किसी बहुत बड़ी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है इस स्थान को। देवी का आशीर्वाद या फिर हमारे कान्हा का? कहीं सच्ची में कान्हा चमत्कारी तो ना है? मैंने कहा था ना प्रभु, हंस गए। ये वृक्ष अवश्य ही कान्हा ने बोए होगो, है ना जीजी? आप सब भी ना बिना सकते जाने ही बोलने लगती हो। ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है। कौन सी देवी का? मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जी क्या कह रहे हो कान्हा? सत्य ही तो कह रहा हूँ। आप सभी बताओ, जब हम गोकुल से वृंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि वृंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख सुविधा मिलेगी? और यहाँ आने के बाद भगवान श्री गणेश का स्वर किसको सुनाई दिया था? और कल किसने कही थी हमारा काना मोती को बीज की तरह बोएगा?
फिर उसमें से बड़ा सा वृक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे। यशोदा ने आप भी तो मैया हुई ना मेरी चमत्कारी। ये जो कहती है सत्य होके ही रचा है। चुप करना खट, कुछ भी उल्टा सीधा आके जा रहे। मिसेज यशोदा जी, काना कहे तो सत्य रहो है। तुम भी इसकी बातों में आगे सुलच्छना। अरे जे तो सारे संजोग जोड़ के बस अपनी बातें सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। मैं कोई देवी ना हूँ, मैं तो बस साधारण सी मैया हूँ और जे मेरा साधारण सा लल्ला है। पर ये मोतियों का वृक्ष चमत्कार है ना, पक्की बात है। लगता है किसी ना किसी देवी देवता का आशीर्वाद है इस स्थान को। सब तो मैं ना जानती, पर हाँ श्री नारायण का आशीर्वाद तो अवश्य है। ये सब जानता हूँ कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कौन प्रभु? आशीर्वाद नारायण का हो या देवी देवताओं का, हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे काना। काना बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा उपहार दिया है। अच्छा जी जी, अब हम चलते हैं। नारायण 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 नारायण। यदि सारी तरकाइयाँ उग गई, तुम्हारा घर तो वन बन जाएगा बाबा। हाँ, तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो। कान्हा, अरे देख क्या रोए, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा। बिछा बिछा बिछा। अरे तारो देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना, आप भोजन ना बनाएंगी, आपको तो भोग लगेगो, और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। भी बताती हूँ तुम्हें। फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? वो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कब दर्शन देंगे प्रभु, कब आएंगे आप?
सबको किसने भेजा है? जाकर विंदा देवी को मेरा संदेश दो, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा, ये वचन है मेरा। सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु, वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको। प्रभु आपने वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास, मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में समाप्त कर दो। हे नारायण, छे कैसे संभव? पता नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गईयां और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो। तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जे सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई? धन्यवाद गौ मैया। जी देखो नंदराज, आपकी बात पर सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनो दोस्त स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है, सभी घरों का सारा चारा खा गई है, अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रसियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकता है? अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे खाना ने करो है, हाँ नहीं तो। नाना जीजी, काना ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगतो है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना, रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी? ना, मुझे लगतो है जे किसी नटखट की शरारत है, पर मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जे हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी जे ही सोच रही हूँ। अवश्य गाँव मैयाएं सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रहे होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पता है जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गायों से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं गायों की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है, अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गयो। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जानो होगो और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजनो होगो, और ये कार्य हमें आज ही करनो है। योजना सफल हो गई, विंदा देवी मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधूली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको।
सब तैयार है? हाँ, हम सब तैयार हैं नंदलाल। हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ। चलो मैया। कहाँ? मैया वन और कहाँ? कैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना, तू कहीं ना जा रहा है। ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ, इन सब से अनभिज्ञ हैं हम। जाने बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना? जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। हाँ। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी, अब विंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। उनका ना एक कार्य करे ना, आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था वन में किससे? ये क्या बोल रही हूँ? मैंने फिर से फंस गो बिच्छू और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर मराद से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहे है। आपको कैसे बताऊं मैया, वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने, हुँ? पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे, बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? कर तो क्षमा रूट का कान्हा, ऐसे दूर जाओ ना ओ कान्हा, अपने मैया को हृदय से लगाओ ना, ओ लल्ला मेरे मान जाओ ना कान्हा, मान जाओ ना। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूट गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। तूरी
मैं तो आपसे क्रोधित था मैया। कोई खेल ना खेल लो, मुझे तो बन जाना है। आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मत करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी वन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब वन जाऊंगी ना, तुझे साथ लेके जाऊंगी, बल्कि मैं जब भी वन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है, मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी वन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। पर हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला, अभी तुम सब बताओ, खाने के लिए कुछ लाऊं? अरे मुझे तो आज ही जाना है मैया। मीठे बुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है। किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर जो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है, अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ काना, तुम्हें मीठे पुआ नहीं खाने? मुझे वन जाना है दाऊ। चलो ना सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं काना। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत पूछा काना, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है। असली वन तो भीतर है, गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना, और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है, इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना दाऊ? एक से बढ़के एक पशु है वृंदावन में, इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे। भूल जाओ काना, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ, स्वयं भी चलूंगा और इन सबको भी लेके चलूंगा। वहाँ पूछ पे छोड़ दो दाऊ,
आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम,